हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने पोल में वोट किया था कि रिकॉर्डेड सेशन होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में दे रहा हूँ और ये वीडियो आप लोगों को प्रीमियर हो रही होगी। तो हम लाइव सेशन करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस लाइव करने वाले हैं, जिसमें तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जब जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब मैं प्रैक्टिस सेशन करना होगा, तो एक दिन में ही पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें तकरीबन 150 से 200 सवाल होंगे। वो सभी सवाल सारी बुकों का होगा, सारा जो है प्रीवियस ईयर का कंटेंट होगा, कुल मिला जुला के अपने आप में कंप्लीट होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, 80% ग्रामर का जो क्लास है वो सभी बुकों में कॉमन रहता है, कंटेंट सब बुक में सेम रहता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जो चीज जहां से अच्छी है वहां से उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ। 50 दिन की क्लास में ग्रामर आप पूरी तरीके से सीख जाओगे। तो हम रिसेप्शन पे हैं, तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा day 3 है। यहाँ पे एक स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, उस दिन जो है आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा और हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं लिखता नहीं हूँ, कोई और लिखता है। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन मैं पतला कर दूँ। ग्रामर की स्पेलिंग में ए आता है, तो ठीक है, ग्रामर ऐसे होता है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। माइंड बाउल कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। day 1 आपने पढ़ा, day 2 पढ़ा है, तो day 1 और day 2 को रिवाइज कीजिए 5 से 7 मिनट, और अपना हैंड रिटन नोट बनाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको जो है अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिखिए, वो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। उसके बाद day 3 लीजिए, तो ये जो होगा, ये जो लीकेज है day 1 और day 2 का, वापस से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो day 1 याद रहेगा, day 2 याद रहेगा, मतलब जितने कीवर्ड्स अभी तक आपने सीखे हैं वो याद रहेगा। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको रिवाइज कराता हूं जो रूल्स मैंने कल आपको पढ़ाया था, लेकिन सेम तरीके से नहीं कराऊंगा। आज मैंने क्वेश्चन लिया है, कल क्वेश्चन नहीं लिया था, तो ये काम मैं करूंगा हर अपने लेक्चर में कि रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरे दिन लेके आऊंगा क्वेश्चन, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहां पर कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक बात ये बता दूं कि ये अभिजीत हैं और ये इंस्टीट्यूट में अभी आने वाले हैं, ये आपको सर्व करेंगे। और इस विषय में मैं थोड़ी सी एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों को। हम खुश हैं कि अभिजीत यहां पे आ रहे हैं आप सभी लोगों को सर्व करने के लिए, आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। इन्होंने 2017 में 501 स्कोर किया है, और आपको पता है कि जो ड्रीम पोस्ट होती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती है, तो इस स्कोर में आराम से उनको मिल जाएगा अगर 2017 का रिजल्ट फाइनल हुआ तो। ऐसे वो सारे के सारे स्टूडेंट जो इस चैनल से बेनिफिट उठा रहे हैं, अगर वो यहाँ पे लौट के आके अगर आपको वापस से सर्व करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट बहुत प्राउड फील करेगा। अभिजीत के ऊपर हमें प्राउड है कि वो अपना जो भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जल्द ही इनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा और वो अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे बस आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है। देखो, स्टेटमेंट बदला जा सकता है, ये जो लाइंस है बदली जा सकती है, एक किताब में इस तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरे किताब में इसी सेंटेंस में कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती है, तीसरे किताब में कुछ और जोड़ी जा सकती है, लेकिन कीवर्ड जो है, जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपका सब में सेम रहना है, हर किताब में सेम रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कीवर्ड। तो रूल नंबर 1 आपने सीखा था कि कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हमेशा प्लूरल ही रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, इस सेंटेंस को कैसे बदला जा सकता है, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं वेयर इज माई पैंट, और देखने में सब सही लग रहा है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैंट्स का आप पैंट नहीं करेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इसी तरीके से टंग्स जो यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे आप इज कर सकते हैं, टंग्स में एस काट सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, याद रखिएगा कि ये अपने आप में प्लूरल ही रहेगा। ये सेंटेंस है सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, फटाफट कर लेते हैं। द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स में एस हटा सकते हैं, वर का वाज बना सकते हैं आपके एग्जाम में, तो एक बार समझिएगा कि ऐसा नहीं करते हैं, प्रोसीड्स प्लूरल में ही रहेगा और वर ही आएगा या प्लूरल वर भी आएगा। इसी तरीके से एसेट्स में एस हटा दिया जाता है, वर की जगह वाज लगाया जा सकता है। तो ये कीवर्ड्स अगर आपको याद है, तो सेंटेंस के बाकी पार्ट में अगर फेरबदल हो रहा है तब भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कीवर्ड आपको याद है, एग्जाम में आप क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाओगे। तो एग्जाम में ये कीवर्ड्स पहचानना होगा आपको। अगर हम यहां पे पढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं, तो चीजें हमको याद रहेगी। मैं एक बात और यहीं पर बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आप बीटेक कॉलेज गए होंगे, तो फर्स्ट ईयर में होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप होते हो और 4 सीनियर आ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, 4 सीनियर आ जाते हैं और आपको बोलते हैं कि चल भाई मेरा नाम पूछ। आपने नाम पूछा, पहले का पूछा, दूसरे का पूछा, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, और फिर पांचवा बंदा क्या कहता है, चल नाम बता भाई सभी का, और फिर आप बताने लगते हो, भूल जाते हो। लेकिन अगर थर्ड ईयर में जाने के बाद ये पांचों बंदे खड़े हो जाएं और आपसे नाम पूछें,
अब सभी का नाम बता दोगे, उनके दोस्तों का भी नाम बता दोगे। रीजन जानते हो क्या है कि यहां पे आपने सिर्फ एक बार उनको देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो फर्स्ट ब्लश में आप थोड़ा थोड़ा जानते हो। यहां पे दो तीन का नाम करेक्ट बता लोगे, पांचों का नहीं बता पाओगे, लेकिन अगले 3 सालों में इन सीनियर्स को इतनी बार आप देख लेते हो कि उनकी छवि आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये जो कंटेंट है, ये जो कीवर्ड्स है, आपको इतनी बार देखना है, इतना बार रिवाइज करना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है, तो सब कुछ सब याद हो जाए। जैसे आर्म्स में एस नहीं हटाते हैं, एम्बर्स में एस नहीं हटाते हैं, तो जो हमारा रूल नंबर 1 हो गया, जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हुए हैं, तो एक बार उनको वापस से जाके रिवीजन मार लो हल्का सा। वो कीवर्ड्स रहेंगे, जितने कीवर्ड्स मैंने आपको बोला था वो कीवर्ड जुबान में होना चाहिए। थोड़ा सा रट्टा आपको मारना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश है। और हम बात करते हैं दूसरे में, रूल नंबर दूसरे में हमने पढ़ाया था कि कुछ के अंत में एस दिखता है, इसके साथ आर लगा दिया जाता है। ये बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक है जो एग्जाम में रखा जाएगा और आप जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते गुजर जाओगे कि भाई न्यूज में एस लगा हुआ है तो इसकी जगह आर हो गया। तो सही, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सिंगुलर रहते हैं और इनके साथ क्या लगाया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स के साथ इज, इकोनॉमिक्स के साथ इज, इथिक्स के साथ यहां पे जो एस लगा हुआ है वो करेक्ट है। आप एक बात ये जानिए कि वर्ब में एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है। इसी तरीके से एक और चीज है, टू समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड। तो जब मैंने आपको समन्स बताया था तो समन्स की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है SES। फिर इसमें और फर्दर जोड़ा जा सकता है इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, उस केस में आप हैव बीन यूज कर सकते हो। अगर ये आया तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे, हैज बीन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? हैज बीन। तो आपको ये कीवर्ड्स याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कीवर्ड्स याद होना चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केस हम सारे के सारे रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10 तक कल देखेंगे और प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। क्लास कल की बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और चलेंगे हम, रूल नंबर जो हमने 2 लिया था तीसरे पे चलते हैं। जैसे हमने बताया था कैटल, इन्फेंट्री, पुलिस, ये 3 कीवर्ड्स आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में यहीं पे लिए गए हैं और ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको बुक में मिल जाएगा आसानी से। कीवर्ड्स आपको यही याद रखने हैं, कीवर्ड्स आपको यही याद रखने हैं। सेंटेंस बदला जा सकता है। ये कीवर्ड्स क्या है, देखने में सिंगुलर लग रहे हैं पर प्लूरल है, इसी वजह से इनके साथ आर लिया गया है, इन्फेंट्री के साथ हैव लिया गया है, पुलिस के साथ हैव लिया गया है। एग्जाम में जो आपके आएगा वो ये बदलेगा, आर का इज, हैव का हैज और यहां पे भी हैज। तो अगर आप ये कीवर्ड से परिचित हो तो एग्जाम में आप देखोगे क्या, एग्जाम में आप इनके साथ सिर्फ वर्ड देखोगे, ये भी नहीं देखोगे सेंटेंस में और कौन कौन से वर्ड है, बिल्कुल नहीं देखोगे। अगर कीवर्ड्स आप जानते हो तो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको लर्न करना है कीवर्ड के थ्रू। क्या? कीवर्ड के थ्रू लर्न करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे। यहां पे हमने बात किया था कुछ अनकाउंटेबल नाउन की, सीनरी जैसे दृश्य होता है, आप कश्मीर, हैज इंचेंटेड अस, हैज की जगह जो है हैव दे सकता है, यहां पे सीनरीज लगा सकता है। क्या लगा सकता है? सीनरीज। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये एक क्वेश्चन है, सीनरी का सीनरीज बनाता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, परसेंटेजेस ऐसे करके एस भी लगा सकता है, वॉज की जगह फिर वर्ब भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए ये जो कीवर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन हैं और अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इनको काउंट ही नहीं कर सकते हो, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो, इस वजह से इनका जो वर्ब होता है सिंगुलर फॉर्म कंसिडर करके लिया जाता है। इसी तरीके से मिसचीप्स करके आता है, क्या आता है? मिसचीप्स करके आता है, ये गलत होता है। क्या होता है? मिसचीप्स करके आता है, ये गलत होता है। मिसचीप के साथ हमेशा इज इस्तेमाल करोगे, इसका एस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बनाओगे, ये आता है। हर हेयर, हेयर्स आर ब्लैक करके आता है, एच ए आई आर होगा। क्या होगा? एच ए आई आर, इसके साथ एस नहीं लगाओगे। ध्यान रखना है आपको, आई हैव सम इक्विपमेंट, यहां पे एस लग के आता है, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स है दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो अगर आपको पता है इसमें जो एरर आता है वो एस लगा के आता है, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि इसमें एस लगा के आता है, तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि इसमें एस कभी नहीं लगाना है, सिर्फ जो स्पेलिंग होती है ये होती है टी, टी के बाद ध्यान रखना है आपको एस नहीं लगाना है। आपको पिछले इयर्स में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका सिंगुलर और प्लूरल सेंस यूज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स आप इनके साथ ऐड करते हो, वो थोड़ा सा एक बार इसे पढ़ लो आपको याद हो जाएगा। जैसे हम बात करें, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन का सिंगुलर फॉर्म यूज करने के लिए आप इसके साथ एक कीवर्ड लगाते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सिंगुलर सेंस देने के लिए। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आपका जो सिंगुलर वर्ब आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन इनको सेंस देने के लिए, कि सिंगल सेंस देने के लिए इनके साथ कीवर्ड लगाते हैं पीस ऑफ।
इसी तरीके से ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका आपने प्लूरल बना दिया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इनके साथ आप जोड़ते हो, जैसे मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का प्लूरल सेंस देने के लिए फर्नीचर्स नहीं लगाते, हम इसके साथ मेनी काइंड्स आप जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मेनी काइंड्स आप जोड़ते हैं। और ये जो मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन है, एग्जेक्टिव है, एडवर्ब है। देखो हमारे दिमाग में क्या आता है, सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। जितना हम पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में इसी में से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इतना ही रिटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10-12 रूल आपके नाउन के हो गए, एक्सेप्शनल केसेज हो गए, इसी तरीके से प्रोनाउन के होंगे, एग्जेक्टिव के होंगे, एडवर्ब के होंगे, फिर तो सब मिला जुला के बहुत सारा रूल्स हो जाएगा। तो इतना ही याद रख लेना एक चैलेंज होता है। तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे चैप्टर पे जाओगे तो ये चैप्टर भूलने लगेगा। माइंड बॉल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, दूसरे चैप्टर जाने से पहले पहला चैप्टर जरूर रिवाइज करो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के साथ ए फ्यू आर्टिकल्स लगाते। इसी तरीके से ब्रेड के पहले टू स्लाइसेस ऑफ, स्लाइस ऑफ करके लगाते हैं इसका प्लूरल फॉर्म देने के लिए, सिंगुलर प्लूरल। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए सम आइटम्स, ये कीवर्ड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सम आइटम्स ऑफ। इसी तरीके से द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर के लिए स्ट्रैंड ऑफ, इसका सिंगुलर सेंस देने के लिए एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की बात की गई है अगर एक बाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल सेंस देना हो तो हम कैसे देखते हैं, कुछ कीवर्ड्स लगा देते हैं। जैसे एडवाइस आ गया, एडवाइस के अंत में आपको एस लगा के आ जाएगा, एडवाइस के अंत में एस लगा के आ जाएगा, तो एडवाइसेस नहीं लिखते हैं, एस कभी भी नहीं लगाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, एक चीज और जैसे मैंने बताई थी जो सिप है, ठीक है, ये सिप का आपका सिंगुलर बनाने के लिए आपने ए सिप लगाया, उसी हिसाब से आप इज लोगे, टू सिप बोल दिया तो आप आर लोगे। और यहां पे जैसे फिश है, तो अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं, सिंगुलर सेंस में दे रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करोगे, प्लूरल फॉर्म दे रहे हो तो प्लूरल लोगे। फिश में देखो एक बात होती है, फिश को फिशेज भी लिखते हैं, जैसे पीपल को पीपल्स लिखते थे, वहां पे पीपल मतलब लोग, पीपल्स मतलब डिफरेंट रेस के लोग। इसी तरीके से फिश में अगर हम लें, अगर कोई गांव का बच्चा हो यूपी बिहार का, तो गांव में अगर पले बड़े हो तो आपको पता होगा कि एक ऐसी मछली होती है जिसको हम रेहू मछली बोलते हैं, दूसरे को मांगुर मछली बोलते हैं। तो जो रेहू है ये भी फिश है लेकिन एक अलग रेस है, मांगुर जो बोलते हैं ये अलग इनका रेस है। तो कंबाइंड जब बोलते हैं, जब फिशेस बोलते हैं तो हम सारे रेसेस की बात कर रहे होते हैं, फिश बोलेंगे तो सिर्फ एक रेस की बात कर रहे होते हैं। तो जब रेस बताना हो तो हम फिशेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये सिंगुलर सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। जब ये सिंगुलर लगे आपको तो इनके साथ सिंगुलर लगा दो, जब ये प्लूरल लगे तो प्लूरल लगा दो। पता कैसे चलेगा? पता देखो चल रहा है ना, ए सिप लिखा हुआ है, ए सिंगल एंटिटी शो करता है, दो लग गया तो आप ऑब्वियसली आर लगाओगे, देयर आर टू फिशेस, दो फिश लग गया, तो इसके आगे न्यूमेरल एक वर्ड, एक नंबर जोड़ दिया गया है 1-2, ये साफ साफ प्लूरल बता रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा डाउट आता नहीं है, लेकिन बस ये समझने के लिए होता है। इस पर बहुत कम क्वेश्चन बनता है, क्या बहुत कम क्वेश्चन बनता है, बस इसको, इस रूल को और इन एग्जांपल्स को समझने की जरूरत है। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया रूल यहाँ पे सीखेंगे, रूल नंबर 6 हमारा आया है और आज ये रूल सीखना है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम आम जुबान में बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं होती है, और हमारी डेली लाइफ में वो शब्द हम यूज करते रहते हैं। जब एग्जाम में सेंटेंस में वो चीज़ दिया जाता है तो हमें हमेशा लगता है, क्योंकि वो हमारे रिदम में आ जाता है, क्योंकि पढ़ा पढ़ा से लगता है सब कुछ ठीक है, इस तरीके की फीलिंग आती है। जैसे सबसे पहले वर्ड है कजिन, ब्रदर और सिस्टर। अब आपको याद होगा कि आप जब भी बातचीत करते हो तो हम बोलते नहीं कि हमारा हिंदी में चचेरा भाई बहन, इंग्लिश में बोलते हैं कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर। तो एक्चुअली कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ये जो है ये आम लैंग्वेज है, ये इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये इनकरेक्ट होता है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से करेक्ट क्या होता है? ये होता है कजिन। इसमें अपने आप ही चचेरा भाई या चचेरी बहन जुड़ा होता है, चचेरा भाई या फिर बहन, ये दोनों जुड़ा होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन दोनों जुड़ा होता है। तो करेक्ट वर्ड क्या है? कजिन। उसमें ब्रदर भी आता है, उसमें सिस्टर भी आता है। जब भी हम कजिन बोलेंगे वो रिप्रेजेंट करता है भाई को भी, वही रिप्रेजेंट करता है बहन को भी। तो इसके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते हैं, ये सुपरफ्लोस हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। एक और शब्द आता है, ये है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर ये हम जेब कतरों के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका सही जो वर्ड होता है वो है पिक पॉकेट।
पिक पॉकेटर नहीं होता है, सही और शुद्ध जो शब्द है वो है पिक पॉकेट, ठीक है। गुड नेम हम बोलते हैं, हम पूछते हैं किसी से ना हिंदी में आपका शुभ नाम क्या है, इंग्लिश में बोल देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम जैसी कोई चीज नहीं होती है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, व्हाट इज योर नेम करेक्ट है, क्या है व्हाट इज योर नेम करेक्ट है, गुड नेम नहीं बोलते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बिग ब्लंडर, मैं आपको बता दूं ब्लंडर एक बड़ी गड़बड़ी को बोलते हैं, बिग ब्लंडर लिखा हुआ है, ब्लंडर एक बड़ी गड़बड़ी को बोलते हैं, इसके साथ जो बिग लगाया है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, हम हमेशा ब्लंडर बोलेंगे, इसका मतलब होता है एक बड़ी भूल, क्या इसका मतलब होता है एक बड़ी भूल। तो याद रखिएगा कभी भी आप आज से बिग ब्लंडर नहीं बोलोगे, ब्लंडर बोलोगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में आता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो ब्रीज होता है वो हमेशा माइल्ड और जेंटल होता है, कैसा होता है माइल्ड एंड जेंटल, माइंड एंड जेंटल होता है, जो विंड होता है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो विंड के साथ आप स्ट्रांग लगाओगे और ब्रीज के साथ आप माइंड और जेंटल की वर्ड एक बार भले यूज कर लो, तो ध्यान रखिएगा ब्रीज हमेशा माइल्ड और जेंटल होता है, स्ट्रांग कभी नहीं होता है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, क्या ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आता है। इसी तरीके से हम बोलते हैं ना बैड ड्रीम, बुरा सपना देखा, इसका जो शुद्ध वर्ड है वो है नाइटमेयर, क्या होता है नाइटमेयर। तो आप आज से ग्रामेटिकली जो यूज करोगे वो नाइटमेयर यूज करोगे, और बैड ड्रीम हम आम बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं वो यूज करते रहेंगे। हम बोलते हैं ना भैया तुम बहुत प्राउडी हो, तुम बहुत प्राउडी हो, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, प्राउडी जैसा शब्द नहीं होता है, प्राउड होता है, क्या होता है प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी बोलना गलत है, इन माई ओपिनियन इसका करेक्ट फॉर्म है। तो ये जो कुछ वर्ड्स है ये आपको याद रखना होगा, ये आपको सुपर फ्लुएंट सेंटेंसेस वाले एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है, एक ये एक्सेप्शनल केस है, इनको आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक चीज आती है ग्राउंड और फ्लोर, क्या आता है ग्राउंड और फ्लोर, जो फ्लोर होता है जो आपका रूम होता है, जो रूम होता है रूम का जो सरफेस होता है वो आपका फ्लोर होता है, जो ग्राउंड होता है वो होता है आपका पूरा का पूरा अर्थ, ये पूरा अर्थ है। रूम के बाहर निकल गए, घर के बाहर निकल गए और पृथ्वी पे कहीं पे भी टहल रहे हो, उसका जो सतह होता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चा अगर हम बोले ना कि रेंग रहा है तो फ्लोर पे रेंगता है वो, ग्राउंड पे रेंगता नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं सेंटेंसेस में, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वैसे बाहर भी वो ऐसे टहल सकता है, रेंग रहा होता है, लेकिन इन जनरल कहने का जो सेंस होता है जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो रूम से रिलेट किया जाता है, रूम के फर्श को जो इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्लोर बोलते हैं, और घर से बाहर निकल जाए और पृथ्वी की सतह पे कहीं पे भी चले जाए उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। तो फ्लोर और ग्राउंड में ये फर्क याद रखिएगा, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से एक और कीवर्ड है इनवी, इनवी और जीलियस, जीलेसी एक वर्ड होता है, इनवी और जीलेसी, और जीलेसी जो वर्ड होता है और इनवी में क्या फर्क होता है, इनवी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज सामने वाले बंदे के पास है और आपके पास नहीं है और आपको थोड़ा सा बुरा फील होगा, उसको देख के एक जलन सी फील होगी, तो उसको बोलते हैं इनवी। इनवी का साफ साफ मतलब है कोई चीज सामने वाले के पास है, आपके पास नहीं है, ध्यान से रखिएगा इसको, ऐसे समझिएगा सामने वाले के पास कोई चीज है, ये चीज आपको चाहिए, ये चीज आपके पास चाहिए। और जीलेसी में क्या होता है कि कोई चीज आपके पास है, ये इसके पास ना चला जाए, उस बात की जलन होती है। जैसे एक पत्नी को उसका पति कहीं पराई जो है लड़की के साथ ना चला जाए, उस बात की जिलेसी होती है। इनवी में वो कह सकते हो कि फलाने आदमी का जो पति अच्छा है और भाई कोई लड़की सोच रही हो कि वो मेरे पास क्यों नहीं है। इनवी और जिलेस में ये फर्क होता है। एक और कीवर्ड आता है, वो आता है टैलेंट, स्किल और टैलेंट। स्किल क्या होती है, स्किल हम लर्न करके सीख सकते हैं, जो टैलेंट होती है वो नेचुरल होती है, वो गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, नेचुरल एबिलिटी होती है। स्किल जो होती है, अगर हमें कोई चीज पता नहीं है हम धीरे 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 करके उसको सीख सकते हैं, स्किल हम लर्न करके सीख सकते हैं, पर टैलेंट नेचुरल होता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेंगे, ये कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड है, ये कुछ नाउन्स है आपके, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, हंड्रेड और डजन, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस,
ये कलेक्शंस है, ये कलेक्शन है ना, कुछ नंबर्स के कलेक्शंस है, कलेक्टिव नाउन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, कुछ नंबर्स का कलेक्शन है। इनके पहले जब हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं, इनके पहले जब हम कोई वर्ड सॉरी कोई नंबर जोड़ देते हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरीके का अगर हम कोई नंबर जोड़ देते हैं, तब इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे हमें पेयर्स लिखना हो, पेयर्स लिखना हो, तो हम टू पेयर लिखते हैं, वन पेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू पेयर। अगर कोई न्यूमेरल वर्ड जोड़ा, कोई नंबर जोड़ा, 1, 2, 3, 4 जोड़ा, तो इसके बाद हम इसके साथ एस नहीं लगाते। जैसे कि आप जानते हो कि हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, जैसे डियर और सिप वाला केस देख लो, फिश वाला केस देख लो, उसके पहले आपने क्या किया? उसके पहले आपने लगाया वन तो आपने सिंगुलर वर्ब लिया, आपने लगाया टू तो आपने प्लूरल वर्ब ले लिया। उस तरीके से इस केस में ऐसा नहीं होता है। इसके पहले 1, 2, 3, 4 लगाओगे, ये कीवर्ड्स याद रखोगे, ये नंबर से रिलेटेड है। पेयर, जोड़ा, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके पहले जब भी आप नंबर लगाओगे, क्या जब भी आप नंबर लगाओगे 1, 2, 3, 4, तो इनके अंत में एस नहीं लिखोगे। टू पेयर होगा, थ्री पेयर होगा, लेकिन इनके अंत में कभी भी आप वो नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? इनके अंत में कभी भी आप एस नहीं लगाओगे। चाहे आप 100 की बात करो, चाहे 2 मिलियन की बात करो, चाहे 3 बिलियन की बात करो, 3 बिलियंस नहीं बोलते, 3 बिलियन बोलते हैं। तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है, इनके अंत में एस नहीं जोड़ोगे। अगर आप 1, 2, 3, 4 इनके पहले जोड़ रहे हो, इनके बाद एस लगाया जाता है। जैसे हम यूं कहे कि अगर ये कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं 100 लिखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम मैं 100 लिखूं, अगर मैं 100 लिखूं, तो 100 के बाद आप क्या लगाओगे? एस लगा सकते हो, 100। इसके बाद अगर ऑफ देखने को मिले, हंड्रेड्स ऑफ समथिंग, जब भी इन कीवर्ड्स के बाद ऑफ देखो, तो हमेशा आप एस लगा दो। क्या लगा दो? हमेशा आप एस लगा दो। अगर मैं बोलूं डजन, ठीक है, और इसके बाद आपको ऑफ देखने को मिल रहा है, तब आप क्या लिखोगे? डजन्स ऑफ। क्या लिखोगे? डजन्स ऑफ। तो क्या आपको याद रखेगा? बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। अब इसको याद कैसे रखते हैं? इसको थोड़ा सा राइम मिलाते हैं। वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, पेयर्स ऑफ, स्कोर्स ऑफ, ग्रॉस ऑफ, हंड्रेड ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ। इस तरीके से करके 2-3 बार पढ़ोगे तो वो रिदम बन जाएगा आपका, और ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो याद रखना कि इसके 2 रूल है, जब इनके साथ कोई नंबर जोड़ते हो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तब इन शब्दों के साथ एस नहीं लगाते हो, लेकिन अगर इन शब्दों के बाद ऑफ आए तो उसके पहले इसमें एस जोड़ के फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाइएगा। इसी तरीके से एक और रूल है, रूल नंबर 8 जिसको हम बोल रहे हैं अभी। रूल नंबर 8 में कुछ कीवर्ड्स है, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन। अब इन की वर्ड्स को आप एक बात देखिए, ये कॉमन नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, और ध्यान से एक बात देखिए, कॉमन जेंडर भी है। क्या है? कॉमन जेंडर भी है। टीचर में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, चाइल्ड में मेल फीमेल दोनों, लड़का लड़की दोनों आ सकते हैं, क्लर्क में क्लर्क लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, ऑथर में भी ऐसा हो सकता है, वर्कर में भी हो सकता है, राइटर में भी हो सकता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो रूल है, ये रूल प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्या है? ये रूल प्रोनाउन से रिलेटेड है। इनके बाद प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड बताता हूँ, इनके साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन मेल वाला इस्तेमाल होता है। याद अभी क्या रखेंगे? मेल वाला। सभी को पता है ही, हिम, या फिर प्लूरल फॉर्म यूज करना हो तो दे यूज करेंगे या फिर देम यूज करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म यूज करना हो तो दे देम यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज करना तो ही हिम यूज करेंगे, सी यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड्स क्या याद रखना है कि ये जो हैं, ये मेल की तरह इनके लिए प्रोनाउन आता है। क्या आता है? मेल की तरह इनके लिए प्रोनाउन आता है। जब प्रोनाउन का चैप्टर आप पढ़ोगे तो ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 8, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं वहां पे दोबारा रिवाइज कर दूंगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको याद रखना है टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, ये सारे के सारे जो है कॉमन जेंडर वाले नाउन है। इनके साथ जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम मेल वाला, मेल वाला। ही हिज प्लूरल में होगा तो दे देम यूज करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज बस आपको याद रखना है। थोड़ा सा और, 2 रूल और है, रूल नंबर 8 हो गया, छोटा सा है। जैसे हम लिखते हैं टाउन, आफ्टर टाउन,
टाउन आफ्टर टाउन, ये एक नाउन है, ये एक प्रिपोजिशन है, ध्यान से देखिएगा, और बहुत बार एग्जाम में आया है। ये फिर से नाउन है, क्या है? फिर से नाउन है। कैसा नाउन है? सेम नाउन है, सेम नाउन है जैसा पहला आया। ये दोनों नाउन कैसे हैं? सेम नाउन है। ये जो नाउन है वो सेम नाउन है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक नाउन आए, फिर से दोबारा नाउन हो, उसके बीच में एक प्रीपोजिशन लगा रहे, जैसे कि यहां पे लिखा है टाउन आफ्टर टाउन, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये आपके एग्जाम में कैसे आएगा? टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। तो याद रखिएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता है, टाउन आफ्टर टाउन होता है। तो ये एक रूल है, इस पे बेस कल एग्जाम्पल लेके आऊंगा, रूल नंबर 9। और रूल नंबर 10 भी है। रूल नंबर 10 एग्जेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, एग्जेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है। जब तक आप एग्जेक्टिव सीख नहीं लोगे, मैं रफ रफ यहां पे बता देता हूं। जैसे आपने सुना होगा 5-स्टार होटल, और लिख के आपको एग्जाम में मिलता होगा 5-स्टार होटल। तो इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो समझना पड़ता है। ये एग्जेक्टिव से रिलेटेड रूल है। यहां पे बीच में एक हाइफन लगा होता है, इसको बोलते हैं हाइफनेटेड नाउन। जब आप आगे चल के पढ़ोगे एग्जेक्टिव, तो एग्जेक्टिव का रोल क्या होता है, वो नाउन के विषय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जो होटल है, वो होटल ये बताया जा रहा है वो 5-सितारा होटल है। तो मतलब ये जो 5-स्टार है वो होटल के विषय में आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो इस कीवर्ड से, कि जो आपका होटल है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके लिए आया है 5-स्टार। ठीक है, ये वैसे तो नाउन है, वैसे तो नाउन है अपने आप में 5-स्टार, लेकिन ये एग्जेक्टिव का यहां पे रोल प्ले कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो जो हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म हम नाउन का बनाते हैं, वर्ब का बनाते हैं, एग्जेक्टिव का नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आता है 5-स्टार होटल। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एस नहीं लगाते, क्योंकि ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसका प्लूरल बनाना ठीक नहीं है, प्लूरल बनाना गलत है। तो एक रूल ये है जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन। क्या? नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन। तो नाउन जो होगा वो दो के दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। दूसरा चीज ये है कि एक हाइफनेटेड नाउन होता है। क्या है? हाइफनेटेड नाउन होता है अगर वो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एग्जेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, तो आप उसके साथ एस नहीं लेंगे, आप उसके साथ एस नहीं लेंगे। ये एग्जाम्पल है 5-स्टार होटल, साथ में 5-स्टार होटल। तो जो करेक्ट फॉर्म है ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, वहां पे इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू और इलेबरेट करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल लाइन का रूल है, सिंगल लाइन समझना है, और ये ऐसे रूल है जो सिर्फ एक बार आपको सुनना है, आसानी से आपको समझ में आ जाता है। एक और लेक्चर मैं इस पे लूंगा, एक और लेक्चर लूंगा मैं इस पे, जिसमें आपका सारा एक्सेप्शनल केस, सारा एक्सेप्शनल केस और कुछ चीजें और है वो होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि सेम टाइम पे आपको तकरीबन 150-200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट करा दूं। तो हो सकता है कल का जो लेक्चर आपका 2-2.5 घंटे का होगा, लाइव हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आपका लाइव लूंगा। अदरवाइज मैं एक लेक्चर जो एक्सेप्शनल केसेस के हैं वो पहले दे दूंगा, फिर जो प्रैक्टिस सेशन है वो पूरा का पूरा लाइव लूंगा, वो 2-2.5 घंटे का हो सकता है, 150-200 क्वेश्चन होगा। तो आपको ग्रामर की पूरी क्लास पूरे 50 दिन करना है, और मैं गारंटी देता हूं मैं हर बुक से जो जो अच्छा पार्ट है वो सब कुछ आपको करा दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतने ही, कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।